नमस्कार, मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक और ढोलक का ताल। जी हाँ, बहुत सारे लोग की एक फरमाइश आ रही थी कि मैम ऐसा कुछ ताल बताएं कि जो जो सेम हैंड चले दोनों तरफ। ठीक है, तो आज कुछ ऐसा ही लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। ऐसा क्यों कमेंट में लिखा गया था, इसलिए ऐसा इजी पड़ रहा होगा लोगों को, क्योंकि अगर अलग अलग हैंड अलग अलग तरीके से चलाते हैं तो लोग बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो यही है। तो इस वजह से क्या होता है कि अगर हम दोनों हैंड एक साथ चलाएंगे तो उतना कंफ्यूजन नहीं रहेगा और उतना कुछ डाउट नहीं रहेगा कि ये नहीं सही से बज रहा, ये नहीं सही से बज रहा। तो जी हाँ, बहुत ही अच्छा आप लोगों ने कमेंट किया था। तो आज मैं आज कुछ आप लोग के लिए वैसे ही लेके आई हूँ कि दोनों तरफ एक ही तरह हैंड बजेंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमारे हैंड किस तरह से गिर रहे हैं, कैसे बजाना, कैसे क्या करना। बिल्कुल आप ये टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए कि आपको ढोलक बजाने नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या होता है, थोड़ा किसी को जल्दी आ जाता है, किसी को थोड़ा रुक के आता, लेट में आता, लेकिन आता सबको है, आएगा सबको। ये आप लोग छोड़ दीजिए बिल्कुल कि हमको ढोलक बजाने नहीं आएगा, क्योंकि ऐसी कोई चीज है ही नहीं, बनी नहीं है कि हम इंसान को ना आए। अगर हम उस चीज में मेहनत कर रहे हैं तो कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी ही। ठीक है, तो इस चीज को आप बिल्कुल छोड़ दो कि हमको बजाने नहीं आएगा। और बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, मैम आप थोड़ा तेजी से बजाने की कोशिश किया करो। जैसे कि होता है कि हम लोग के पास बहुत कम समय होते हैं, टाइम नहीं होते, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो मैं इसलिए बताती हूँ, सच बताऊं, क्योंकि मेरे बहुत न्यू सब्सक्राइबर जुड़ते हैं, तो क्या डिटेलिंग उन लोग को, हर किसी को डिटेल बताना पड़ता है, बात यही है। और ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि हर किसी का, तो हाँ जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर हो, मैं आप लोग को पहले बता दे रही हूँ वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि आप लोग मेरे वीडियोज पे जाएं, आप वहां सर्च करोगे रिंकी के ढोलक गीत, आप सर्च करो, जैसे वीडियोज पे जाओगे आपको सारे वीडियो मेरे खुल के आ जाएंगे। ठीक है, तो उसमें बहुत इजी तरीके से मैंने ढोलक सिखाया, तो आप लोग जरूर सीखे और बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया। ठीक है, तो आप एक बार जरूर जाके, और जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे। तो आइए मैं बताती हूँ। और हाँ, सबसे पहले मैं बता दूं, कोई भी स्टार्ट होता है ढोलक का, सबसे स्टार्टिंग जो पार्ट होता है वो है आपका बेस। तो आप जब भी स्टार्ट करोगे बेस साइड से ही आप स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो आज जो आपको बेस के साइड कितनी बार मारना है वो आपको 3 बार मारना है और चाटी के साइड 4 बार मारना है। 3 बार आपको दोनों हैंड एक साथ चलेंगे, चौथा जो आपका चलेगा चाटी के साइड केवल ओनली चलेगा, 1 बार चलेगा और उसको बेस के साथ नहीं चलाना है। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 आपके यही रहेंगे, आपका जो रिदम है 1 2 3। बिल्कुल आज बंद बेस पे आप नहीं जाओगे कि बिल्कुल केवल आप खुले बेस पे बजाओगे, मतलब किनारे साइड में ही आज आपको ढोलक बजाना है, आपको बंद बेस पे नहीं जाना, बीच में आपको नहीं बजाना है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 थोड़ा झटके में गिरेगा और 3 थोड़ा रुक के गिरेगा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
सेम वैसे जैसे आप चाटी के जैसे आप बेस के साइड बजाएं वैसे आपके चाटी के साइड भी बजेंगे। देखो आप 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 आप सेम आपको वैसे इधर भी मारना है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
बहुत सारा इसको क्या बोलते हैं, चटाकी ढोलक, ठीक है। बहुत सारा जो होता है ना, ये हैंड को उठा के ऐसे किनारी साइड में आपको ही मारना है, हाथे फिंगर की इस साइड से, फिंगर की इस साइड से देखिए, ऐसे ऐसे घुमा के थोड़ा सा मारना, और फिंगर पे ही लगना चाहिए, हथेली पे नहीं टच होना चाहिए, ओनली फिंगर पे, ठीक है। दोनों हैंड थ्री के बाद गिरने के बाद फोर आपका अकेले गिरेगा और ऐसे गिरेगा, ठीक है।
बजाएंगे ना तो आप खुद आपको खूबसूरती दिखेगी गाने में भी, और आप बजाओगे तब ढोलक में भी दिखेगी। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा यहाँ आपको बता देते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हैंड को उठा के मारना। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 3 4 आपको तो समझ में आ ही गया होगा। आप देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 पहले आपको मैं धीरे धीरे सिखाती हूँ, उसके बाद आपको तेज बताने की कोशिश करूंगी। ठीक है, चाटी पे किधर भी अगर आप ढीले हैंड करके नहीं बजाओगे तो आपके वो इतना अच्छा आपके जो रिदम वॉइस जो होता है ढोलक का वो नहीं आएगा। ठीक है, तो आप जब भी बजाएं तो आप ढीले हैंड करके ही बजाएं, क्योंकि तब जो आपकी वॉइस होती है ढोलक की बहुत ही प्यारी बहुत ही सुरीली निकलती है। तो ठीक, जब भी आप बजाएं तो ढोलक जो ये हैंड जो हम बजा रहे हैं बहुत ढीला हाथ, ठीक है, एकदम ढीला हाथ करके जब आप बजाओगे तो बहुत ही अच्छा आपके रिदम में आपके और ढोलक और गाने के साथ लगेगा। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 आइए मैं आप लोग को अब एक भजन सुनाती हूँ, जिससे आप लोग को ये ना लगे कि ताल पे कुछ बजता है या नहीं बजता है। तो जी हाँ, बहुत ही अच्छे अच्छे भजन इसमें बजते हैं। तो आज मैं इसमें सावन चल रहा, तो मैं आज शिव शंकर जी का ही भजन लेके आई हूँ, तो आप लोग इसे जरूर सुनिएगा। और मैं बस अंतरा बताऊंगी, मेरे चैनल पे ऑलरेडी ये भजन पढ़ चुके हैं तो आप लोग जरूर जाके सुन सकते हो। ओके, तो आइए मैं आप लोग को अब बताती हूँ कैसे आपको बजाना है इस भजन पे। ठीक है, भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमेरू बजाया डमेरू पूरा गारंटी है कि अगर आप बहुत अच्छे तरीके से सीखोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए, क्योंकि मैं एक एक बारीकियां चीजें आपको बताई हूँ जिससे आपको बहुत जल्द समझ में आए, और पूरी काउंटिंग के साथ बताई हूँ, और दोनों तरफ को कैसे बजाना आपको ये भी बताई हूँ कि कैसे चाटी के साथ बजाएं कैसे बेस के साथ बजाएं। तो आप लोग को जरूर वीडियो पसंद आई होगी,
अगर पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पे जो नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे। और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आती रहूंगी जिससे सभी लोग को ढोलक बजाने आए और गाने भी सभी लोग को आ जाए। तो बस आज के लिए इतना ही, नमस्कार, मैं एक अच्छे वीडियो के साथ आऊंगी। बाय बाय, लव यू आप सभी लोग, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।